A very pleasant morning to all of you. कैसे हैं भाई सब लोग? एकदम हैप्पी, एकदम बढ़िया। आज एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को, और आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टाइटल में, कि आज हम लोग बात करेंगे किस पे, एडजेक्टिव पे बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं जी? आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप पे बात करेंगे हम लोग। आज किस पे बात करेंगे? एडजेक्टिव पे बात करेंगे और इसके टाइप्स पे बात करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, ओके? चलिए, सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बोलो जी फटाफट। सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अंकित राव गुड मॉर्निंग, कुशवाहा राजदेव वर्मा, योगेश पांडे, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर, सुधांशु रंजन गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग बात किस पे करेंगे आज? आज हम लोग बात करेंगे किस पे, एडजेक्टिव पे और उसके टाइप्स पे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेगा इस चीज़ को, तो हम आपको बता पाएंगे क्या कि देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। थोड़ा बात मेरी अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं बता दूँ मैं आपको कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐड करने वाला, कहाँ पर ऐड करने वाला है? नाउन और प्रोनाउन के लिए। ध्यान समझना, एडजेक्टिव की जिम्मेदारी किसके लिए है? इसका जिम्मेदारी है नाउन और प्रोनाउन के लिए, दो लोगों के लिए इसका जिम्मेदारी है। किसके लिए? नाउन के लिए है और प्रोनाउन के लिए। तो आप कह सकते हैं एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स कह सकते हैं क्या कि नाउन और प्रोनाउन कुछ मुझे कुछ डिटेल्ड एनालिसिस कराता है, कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन देता है। कौन? हमारा एडजेक्टिव किसके बारे में देता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं ध्यान से। आप कह सकते हैं क्या कि किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। इसको थोड़ा ध्यान समझना। कोई भी वर्ड ऑलमोस्ट जो नाउन के पहले अकर करता है, एग्जिस्ट करता है, हमें दिखाई देता है या हमें समझ में आता है, हमें लिखा होता है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा क्या? एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। अब थोड़ा इसमें एक बात और देखना है मुझे कि होता है इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पर होता है। तो याद रखिए हमेशा क्या होता है, इसके नाउन के पहले आता है, इसकी पोजिशन कहाँ पर होती है? हमेशा नाउन के पहले। और जिस नाउन के पहले आएगा, जिस नाउन के पहले ये आ रहा है उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, जिस नाउन के पहले ये एग्जिस्ट करता है उसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ये होती है क्वालिटी किसकी? एडजेक्टिव की। बलवंत यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी क्वालिटी यही होती है कि जिस नाउन के पहले एग्जिस्ट करेगा ये, उसी नाउन क्या करेगा? ये क्वालिफाई करेगा, उसी नाउन को ये क्वालिफाई करता है। कौन? एडजेक्टिव हमारा। अच्छा एक बात यहाँ पर थोड़ा सा और समझना इस बात को कि एडजेक्टिव बनता कैसे है। बनता कैसे है? बनने का मतलब क्या हो रहा है? जिस वर्ड को आप नाउन के पहले लाके पुट कर दो और वो इस प्रकार से हो कि कुछ नाउन के बारे में ऐड करें। अच्छा खासा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में। मीन्स वी आर बिकम कन्फ्यूज ऑलमोस्ट टाइम्स, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। आई विल टेल यू लेटर ऑन, देर आर सो मेनी बेसिक कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ओके? बिल्कुल जी, सब लोगों गुड मॉर्निंग। सुधांशु रंजन है, ऐप पे बैच नहीं हो सकते बाबू। बस सुधांशु जी, ये चीज़ें आपको ऐप पे मिलेंगी अगले एक दिन में। मैं अभी इसी को अपडेट कराता हूँ क्लास होने के बाद। जैसे ही क्लास ओवर हो जाती है, चीज़ों को हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एप्लीकेशन पे दिखाई दे, एप्लीकेशन पे दिखाई दे। और अगर नहीं दिखाई दे रहे तो वो जिम्मेदारी हमारी टेक्निकल टीम की है, वो आपको वहीं पर मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये जो लिंक होता है ये सिर्फ एक्टिव होता है जब तक क्लास चलती है। फिलहाल अभी हमने इसको एक्टिव कर रखा है। जैसे ही क्लासेस आपको ऐप पर मिलना स्टार्ट होंगी, यहाँ के सारे लिंक डीएक्टिव हो जाएंगे। वो सिर्फ आपको चीज़ें कहाँ पे रहेंगी? एप्लीकेशन पे ही रहेगी। हम लोग बात क्या करते हैं? एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो क्या करता है? ये ऐड करता है। तो याद रखिए आप कह सकते हैं कि ये कौन, ये किसके बारे में ऐड करता है? या तो करेगा ऐड नाउन के बारे में, या किसके बारे में ऐड करेगा? ये प्रोनाउन के बारे में। कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल लिखूँ, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने क्या लिखा? आई हैव अ ब्लैक पेन, ठीक। मैं यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, एक मैं आपको लिखूं क्या कि आई हैव अ पेन, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? एक कलम है। एकदम सिंपल सेंटेंस है, कोई बात नहीं। मैंने बताया भाई कि मेरे पास क्या है? एक कलम है। लेकिन फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भैया, जो आप
जो आप कलम की, जिस कलम की मैं बात कर रहा हूँ, वो कलम मेरी कैसी है? वो कलम मेरी ब्लैक है। वो कलम मेरी कैसी है? ब्लैक है। तो ये ब्लैक क्या यहाँ पे है? इस पेन के पहले आया है। और पेन यहाँ पे क्या है? नाउन है, पता होगा आप लोगों को। हम लोग नाउन किसको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आदित्य जारी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग को ही बोलते हैं, क्या नाउन बोलते हैं। तो अब ये तो हमारा नाउन है, और जब ये हमारा नाउन है तो अब बताओ नाउन पहले क्या? ये ब्लैक कलर आया है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? ये हमारा है एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है जी? एडजेक्टिव है। बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप, कि जो भी वर्ड नाउन के पहले आएगा, ध्यान से समझो बच्चा लोग, एकदम ध्यान से समझो, जो भी वर्ड नाउन के पहले आएगा, ध्यान समझना, जो भी वर्ड नाउन के पहले आएगा वो क्या होगा? वही होता है हमारा एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। और ये आ किसके लिए रहा? ये आ इन्हीं के लिए रहा है, ये भाई साहब के लिए आ रहा है। क्या? कि इनके बारे में बता रहा भाई, जो आप कलम की, जिस कलम की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कलम कैसी है? वो कलम हमारी ब्लैक। बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा क्या? एडजेक्टिव होता है। अब अगर हम आगे इसकी बात करें, तो हम बात करें किसकी? इसके टाइप्स की अगर बात करें हम लोग, तो हम कह सकते हैं आपसे, क्या कह सकते हैं जी? हम आपसे कह सकते हैं क्या, कि जो एडजेक्टिव होता है, अगर कितने टाइप्स का होता है, अगर इसकी मैं बात करूं, तो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ध्यान समझना, बेसिकली इसके 5 to 6 मेन टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स के पढ़ने से हमारा सारा काम बन सकता है, जिसको पढ़ने से क्या हो सकता है? हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। किसको? 5-6 टाइप्स के एडजेक्टिव को पढ़ने से। जैसे इसमें पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है? क्वालिटी होता है। ये क्वालिटी मतलब बोले तो किसकी हम बात कर रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए जो एडजेक्टिव हमें किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ क्या, कोई बता रहा है भाई आपके शर्ट का कलर कैसा, ये क्या हो रहा है? क्वालिटी है हमारी ना। मेरी हाइट कितनी है ना, अगर मैं बात करूँ आपसे कि मेरा नेचर कैसा है, तो ये सब क्या है? क्वालिटी है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि राम इज़ गुड बॉय, तो राम कैसा बच्चा है भाई? जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल दूसरा यहीं पर अगर मैं लिख दूँ, क्या लिखा मैंने? राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा बच्चा है जी? एक अच्छा बच्चा है। तो जो गुड आया है, गुड किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है, लड़के के लिए आया है। तो ये क्या हो रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय कैसा है। तो आप कह सकते हैं एन एडजेक्टिव दैट कन्फर्म्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। क्वान्टिटी में क्या होता है जी? क्वान्टिटी में क्या होता है? क्वांटिटी में होता है कि जब मैं किसी की मात्रा बताऊंगा, जैसे मैंने बोला क्या कि आई हैव सम टी शर्ट, मेरे पास क्या है? कुछ टी शर्ट है। लेकिन याद रखना, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे पास कितनी टी शर्ट है। मैंने आपसे ये तो ज़रूर बोला कि मेरे पास टी शर्ट है ना, लेकिन मैंने आपसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, मतलब आपको मैं क्वान्टिटी बता रहा हूँ। क्वान्टिटी बताओ आप, कैसे मैं आपसे बोलूँ अगर कि ऑल स्टूडेंट्स आर डिजर्व फॉर देयर सेलेक्शन, जो ऑल वर्ड आया, मैंने क्या बोला? ऑल स्टूडेंट्स डिजर्व फॉर सेलेक्शन। तो क्या हो रहा है? ऑल जो आया है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए आया है ऑल। तो ये ऑल वर्ड आया, लेकिन ये तो कह तो रहा है कि सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कितने सारे, मतलब कितने, 4, 6, 10, 20 कितने, ये नहीं बता रहा। तो याद रखिएगा इस बात को कि क्या होता है, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी होता है, वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा तो बताता है, क्वान्टिटी तो बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वान्टिटी नहीं बताता है। बात ध्यान समझिए, क्या होता है यहाँ पे? एग्जैक्ट क्वान्टिटी ये नहीं बताता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें देखिए क्वालिटी में एग्जांपल लिख दें अगर हम, तो इसमें हो जाएगा हमारा जितने भी कलर होते हैं ना, जितने भी साइज होती है, जो किसी का नेचर होता है। क्वालिटी में क्या होता है जी? क्वांटिटी में होता है क्या? अमाउंट की मैं बात करता हूँ। किसकी बात मैं करूँगा? अमाउंट की। जैसे मैं बात करूँ आपसे, अगर इसमें एग्जाम्पल ले लूँ मैं, कि मैं बात करूँ आपसे क्या, आई हैव मैनी शर्ट, मेरे पास बहुत सारे शर्ट हैं। तो मैनी शर्ट मैंने बताया कि मेरे पास बहुत शर्ट तो है, लेकिन कितने शर्ट, मैं आपको ये नहीं बता रहा। मैं तो बता रहा हूँ आपके पास, मेरे पास बहुत सारे शर्ट हैं, लेकिन कितने शर्ट हैं मैं आपको ये तो बता नहीं रहा। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांटिटी बता रहा हूँ, मतलब नंबर नहीं बता रहा हूँ, वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जहाँ पे अमाउंट की बात करेंगे, जहाँ पे आल आएगा ना, जहाँ पे क्या आएगा? नोन, नन आएगा, जहाँ पे एवरी आएगा, ठीक है, जहाँ पे सम आएगा, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। अगले बात मैं करूँ अगर, तो अगला होता हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला क्या होता हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर? जहाँ पे आप नंबर की बात करें, जैसे मैं बोलूँ आपसे क्या कि आई राम हैव 4 शर्ट, राम के पास कितना शर्ट है? 4, मतलब मैंने एग्जैक्टली नंबर बता दिया।
क्या होता है, मैंने आपसे कि आई हैव 8 टी शर्ट, मेरे पास कितना टी शर्ट है, 8 टी शर्ट है। तो जब मैं आपसे नंबर बता रहा हूँ किसी चीज़ का, किसी एडजेक्टिव का नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, तो याद रखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहते हैं उसे जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही जी, जल्दी बताना, मैं कमेंट से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का देखता रहूँ। अगला बात आती है, हम लोग बात करते हैं जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, जो डिमॉन्स्ट्रेट करे। जैसे मैं बोलूँ आपसे क्या, अगर मैं अगर आपसे बोलूँ कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना जी इस बात को, ये किताब किसकी है, ये किताब मेरी, तो बुक के पहले दिस आया है, तो यहाँ पे दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस इज हेयर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या है, ये हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई, क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जी, क्योंकि क्या हो रहा है, ये किसे नाउन के पहले आ रहा है, उसी नाउन तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये किताब मेरी, मेरे भाई ये किताब मेरी है, दिस इज माई क्लास, ओके ओके सॉरी, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा वो, तो फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, हम कहते हैं दिस क्लास रूम इज माइन, दैट पैंट इज योर्स, वो तुम्हारा कपड़ा, वो तुम्हारा पैंट है। तो क्या हो रहा है, जब लोग ये बात करते हैं, किसी एक की बात करते हैं, याद रखिएगा, और क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग कोई भी वर्ड नाउन के पहले आता है तो क्या होता है हमारा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डिमॉन्स्ट्रेट करे। ऐसे ही अगर हम बात करें आपसे, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, अभी कि मैंने आपको उसके पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कराया है, तो आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्या, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये आपको क्वेश्चन में एक दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, इसके बाद क्या होता है, यहीं पर अगर मैं लिखूँ इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है जी, इसके बाद बात करूँ किसका, इंट्रोगेटिव, क्या होता है इसके बाद, मैंने बात किया किसका किया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है जी, वो एडजेक्टिव जो इंट्रोगेट करे, ध्यान समझना इस बात को, जो क्या करे, इंट्रोगेट करे, जो क्या करे, इंट्रोगेट, मतलब क्या, जो क्वेश्चन पूछने का काम करे, बात समझ में आ रही है आपको, मतलब कह सकते हैं क्या कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो मुझे किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, हाँ क्वेश्चंस का रिप्लाई करे, कूल मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, कूल मॉर्निंग, चलिए सब चलता है, बात समझ में आई। तो अब देखना ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं बता दूँ आपसे क्या करूँ, वॉट, दिखाई दे रहा पीला कलर कि नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, नहीं दिखाई दे रहा है ना पीला कलर, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पे नहीं रेड पे आते, चलिए तो इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ, चलिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात करें किसकी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। तो अब ध्यान से देखना जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, व्हाट, वेयर, होम, हूज, सब क्या होता है, सारे 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 किसमें आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, किसमें आते हैं जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बात समझ में आ रही है, ये सब किसमें आते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ आपसे, मैं बस आपसे क्या बोलूँ, अच्छा विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है, तो मैंने क्या किया, पूछ रहा हूँ आपसे कि इसमें से कौन सी किताब आपकी है ना, हूज पेन इज दिस, ये किसकी कलम है। तो क्या हो रहा है, जब मैं पूछ रहा हूँ क्या, किसी नाउन के पहले यूज़ कर रहा हूँ किसी डब्ल्यू एच वर्ड को, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा क्या, एडजेक्टिव होगा, वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एडजेक्टिव होगा, बात समझ में आ रही है। जब किसी भी डब्ल्यू एच वर्ड को हम यूज़ करेंगे किसके पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। अगली मैं बात करूँ आपसे क्या, पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है जी, जहाँ पे पजेशन क्लियर होता है, पजेशन अधिकार, जैसे बता दूँ मैं आपसे क्या, मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, तो कह सकते हैं क्या, दिस इज माई कार, ये मैंने क्या बोला आपसे, दिस इज माई कार, तो यहाँ पे जो माई आया किसके पहले आया, कार के पहले आया, यहाँ पे कहाँ पे आया माई, कार के पहले आया, तो जो यहाँ पे कार के पहले माई आया है, ये माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है ये, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे क्या है माई, पजेसिव एडजेक्टिव है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई।
आगे चलते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला, जहाँ पे हम लोग पजेशन की बात करें, जहाँ पे हम लोग अधिकार की बात करते हैं, वो क्या होता है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब मैंने, हम लोगों ने क्या बात कर ली, हमने क्वालिटी, पहला नंबर क्वालिटी की बात किया, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा नंबर, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव, पाँचवा इंट्रोगेटिव और छठा पजेसिव। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स, छः टाइप्स के बेसिक एडजेक्टिव होते हैं। ये था हमारा एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताऊंगा मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ क्या एडजेक्टिव कितनी डिग्रियाँ होती हैं जी, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा साथ में कि जैसे आपने सुना होगा ना कि क्या करते हैं लोग, फ्यू ऑफ फ्यू द होता है, लिटिल और लिटिल द लिटिल होता है, तो इन सब बातों की हम लोग बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसमें ये सीखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है लिटिल और लिटिल द लिटिल में, फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू, तो इन सब का यूज़ हम लोग अलग से क्लास में सीखेंगे, भी हम कल इसकी बात करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ बेसिक सेंटेंस की, यानी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ क्या कि बेसिक सेंटेंस यूज्ड एट होम, उसमें पूरा सीरीज हमारा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा पहले ऑफिस में कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, बस स्टॉप पे कौन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, रेलवे स्टेशन पे हम लोग कौन कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, क्लास में, क्लासमेट में, बैंक, मतलब एक पूरी सीरीज हमारे पास है। मैं अल्टरनेटिव लेता रहूँगा, एक दिन हम लोग थोड़ा सा ग्रामर की बात करेंगे, अगले दिन हम लोग उस पर्टिकुलर सेशन की बात करेंगे। बात समझ में आई। और साथ में मैं आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास एक लेने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कुछ आपके बॉडी गेस्चर्स रिलेटेड बात बताऊँगा, आपके आई कॉन्टैक्ट, आपके फेस, आपके फोरहेड, आपके कैसे आपको खड़ा होना, ये सब रिलेटेड बातें बताऊँगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे और साथ में मैं कुछ आप लोगों को लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कराने वाला हूँ ऑडियो वीडियो क्लासेस की, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि कैसे किस प्रकार से आपको कुछ चीज़ सुनना भी। मैंने क्या कहा था आपको, चार काम डेली करना है। कौन कौन सा काम करना है डेली जी, आपको कौन सा काम डेली करना, चार का मैंने कहा था आपसे। पहला काम करना है आपको डेली क्या, 20 मिनट रीडिंग करनी है, ये तो चल ही नहीं रहा होगा। क्या करना है आपको, आप क्या करना है जी, आपको करना है आपको करना क्या है, देखिए आप क्या करना है, आपको करना सबसे पहला काम 20 मिनट या 15 मिनट रीडिंग करनी है डेली। कितने मिनट, 15 मिनट रीडिंग करनी है, ठीक है। और 15 मिनट क्या करना है आपको, राइटिंग करना है, ठीक। 15 मिनट करना है रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, 15 मिनट लिसनिंग करना है और 15 मिनट खुद से बात करना है, किसी और को आपको नहीं ढूंढना। आप 10-15 मिनट अपने आप से बात कर सकते हो ना, ये 1 घंटा आप मुझे डेली दिया करो अपने स्पेयर टाइम में, जब भी आप फ्री रहा करो ये जरूर मुझे 1 घंटा दिया करो। क्या करना है, 15 मिनट आपको कुछ रीडिंग करना, कोई भी आपके पास इंग्लिश की बुक हो, नहीं कुछ हो तो आप 10 रुपये की मैगजीन खरीद लीजिए, ठीक है, और उसकी आप पढ़ाई जरूर किया करें। सर न्यूज़पेपर रीडिंग करना, हाँ बिल्कुल राजीव जी सही कह, राजदेव वर्मा सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपसे कि आपको 15 मिनट डेली पढ़ना, कुछ भी पढ़ लो, आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लो, अगर आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है तो मैगजीन अभी नहीं समझ में आ रही है, वैसे 10 रुपये का आप मैगजीन ले सकते हो, कुरुक्षेत्र वगैरह तमाम मैगजीन्स आती है, योजना आती है, कुरुक्षेत्र आती है, कोई भी एक ले लो, उसमें पढ़ना आपको, आपको स्टार्टिंग के डेज में आपको उसकी मीनिंग नहीं सोचना है, उसके अर्थ पे नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है। 15 मिनट आपको करना है लिखना है, क्या लिखना है, दिन भर जो अपनी डेली डायरी एंट्री कर सकते हो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप इंग्लिश में उसे लिख सकते हो, अपनी कॉपी को मेंटेन कर सकते हो। अगले पढ़ना आपको सुनना है, आप कह सकते हैं वॉच करना, क्या वॉच करना, क्या सुनना भाई, आप कोई स्टोरी देख सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो इंग्लिश इसमें डब्ड हो, कोई भी आप न्यूज़पेपर का चैनल सुन सकते हो। और 15 मिनट का करना आपको बात करना, किससे बात करना है, दुनिया में सबसे बड़ा टास्क क्या है कि अपने आप से बात करना है। पता क्या होता है, हम लोगों को तो अपने आप से बात करने के लिए टाइम भी नहीं है ना, हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, और जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे किसी और से बात करने में कोई मज़ा नहीं। एक बार आप अपने आप से बात करके देखो, देखो आपको कितना आनंद आएगा, क्योंकि अपने आप से बात करने का मज़ा ही कुछ और है। समझ में आ रहा है, ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है, तो समझ रहे हैं, आपको खुद से अपना हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई परवेज़ आलम, हाँ बात समझ में आई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ डेली इंपॉर्टेंट यूज़ के सेंटेंस को लेकर के, ठीक है। और इस
मैं आपसे कल ये भी सिखाऊंगा, मे भी कल मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा कुछ लोगों से। मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली कुछ कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट करता रहूँ। दिक्कत यह है कि ऑलमोस्ट लोग लाइव नहीं देखते हैं, लगभग जितने लोग हैं सब लोग क्या करते हैं, कोई दोपहर में क्लास अटेंड करता है, कोई शाम में करता है, तो उससे कुछ ये मैं जानबूझ के नहीं कह पाता हूँ क्लास में, ठीक है। तो जो लोग दोपहर में और शाम वाले हैं तो अब उन लोगों को क्या पता, बोलो पता चला कुछ लोग एक दिन क्लास, एक दिन बाद क्लास लेते हैं, दो दिन बाद क्लास लेते हैं, ऐसा शेड्यूल ही नहीं मिलता। क्या नौकरी कर रहे हैं किसी ऑफिस में, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगा टाइम निकाल के, वीडियो कॉल्स वगैरह से या ऑडियो कॉल से हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर अब तक अगर आप हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करिए, जो नंबर आपको दिया गया है आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आप लोगों को बताया होगा किस नंबर पे कॉल करना है आपको, ठीक है, जिस नंबर पे आपको डेली कॉल करना है, मैंने बताया आपको मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्या ये है आपका नंबर, ठीक, 9455443048 ये है नंबर, 9455443048 इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या के लिए, ठीक है जी। तो ठीक है, आज की पारी को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, मिलते हैं अगले सेशन। भारत सर कॉल्स का टाइम टेबल ठीक से नहीं हो रहा, हाँ, बात सही है बाबू, क्लास टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन ये समझ लो कि मैं कोशिश करूँ कि 10 से 11 के बीच में क्लास जरूर लूँ, थोड़ा सा एडजस्टेबिलिटी कभी कभी दिक्कत हो जा रही है, लेकिन ये समझ लो कि इसी बीच में मैं आपसे डेली मिलूँगा, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपसे मिलूँ जरूर, हर दिन आपसे मिलने की मेरी कोशिश रहती है, अगर कोई बहुत बड़ा जेन्युइन कारण ना हो तो। तो ठीक है, आज की पारी को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं जी। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग हैप्पी होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम आप मुझे बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।